महाराष्ट्र में महीने भर से सरकार पर सस्पेंस लगातार चल रहा था, जो आज खत्म हो गया। बड़ा उलटफेर करते हुए फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो राजभवन से ये तस्वीर सामने आते ही महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में तूफान आ गया। पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेता ट्वीट कर शुभकामनाएं देने लगे। शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। तो वहीं पूरे घटनाक्रम में दोपहर में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, बहुमत हमारे पास है और हम ही सरकार बनाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के नाम पर खेल चल रहा है, बीजेपी दिन के उजाले में काम नहीं करती है, हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जो खेल चल रहा है वो पूरे देश देख रहा है। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि बीजेपी को ना तो मित्र चाहिए ना ही विपक्ष। तो कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि ना बैंड ना बाजा ना बारात और सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली। ये घटना काली स्याही के तौर पर इतिहास में लिखी जाएगी। बिना किसी जांच के शपथ दिलाई गई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अहमद पटेल ने कहा कि बेशर्मी की सारी सीमाएं बीजेपी ने पार कर दी। तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल यहां पर कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी की तरफ से खड़े किए गए हैं, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो खेल है, अजीत पवार जो कि एनसीपी नेता हैं, उन्होंने इस खेल को पूरा तरह से बिगाड़ दिया, क्योंकि कल रात तक ये साफ हो गया था इन तीनों दलों की तरफ से कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे। सीधी बात है, एक बार मेजोरिटी एस्टेब्लिश करने का जो मौका दिया है वो पूरा होने के बाद ऐसे उसी की सरकार बनेंगे। सरकार बनाने में कोई दो राय नहीं, सरकार हम बनाएंगे, बना सकते हैं, वो नंबर हमारे पास है। कोशिश करके देखें, महाराष्ट्र सोने वाला नहीं है। कोशिश करके देखें, महाराष्ट्र सोने वाला नहीं है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा उसमें हम तीनों पार्टी साथ हैं, और बीजेपी को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर हमारे पूरे प्रयास होंगे। इतना ही नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे।